आलू की खेती में पानी प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका सीधा असर उपज पर पड़ता है। तो चलिए हम आज सिंचाई और उसका प्रबंधन के बारे में खुद दीदी लोगों से ही समझते हैं। हम दोनों आदमी बैंक जाते हैं, कोई काम है बैंक के? बैंकों के बाद में करवे, पहले ये बताओ कि आलू के फसल की समाचार है? आलू के समाचार तो बहुत बढ़िया है, होता है कि ने हमू तो गोटे आलू के उपचार का रोप लिए है। आके तो पूरा जानकारी है, जानकारी के सही लाभ उठाए तब ना हमरो उपज बढ़ते। फसल तो तोहर अच्छा दिखाई दे, अब की करे जाए छो खेती में? अब हम पानी पटावे के तैयारी करे छे। ख्याल से अहा के आलू के फसल 45 से 50 दिन के होइए गेले होत, अहा सिंचाई करिए कि ना करिए? आलू में पानी पटावे के तरीका होइ छे कि? आके की लगाइए आलू के फसल आए ते अच्छा हो जाए छे, कंद लगना शुरू हो गेले हां। अगर अखनी पानी ना देबाय आलू छोटा छोटा हो जाए, तो सारा मेहनत बेकार हो जाए। अच्छा तो अहा निकलू, लेकिन बाद में सिंचाई के बारे में अहा पूछ लेबै। हां हां आका तो हम पूछ ले, ऐसे भी कौन किसान चाहे छे जो कर उपज कम हो? दू बेर पानी पहले पटाबे के लिए फिर पानी पटेबे? पानी तो हम पहले पटा ली रहिए कि अब आलू में गोट दे रहल हन, ता पानी पटबै तब ना फल लमहर नमहर होतै। सही बतलेलन हनी, अभी आलू में कंद लगना शुरू भेलै है, तो नमी होना जरूरी है। कंद केकरा कहै छै तन देखियौ त? आप बतबै छी कि कंद किनका कहै छै? चलू मिट्टी हटा के देखै छियै कंद केकरा कहै छै। देखै छियै एकरे कहै छै कंद, एहे कंद बड़ा होके आलू बनै छै। ई समय में खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, तब ना आलू के साइज बड़ा होता या किरी आलू न होता। अखनी कंद देखलिए है ना, अगर इस समय में पानी की मात्रा कम होता तो आलू के फसल पर बुरा असर होता है, और छोटका छोटका आलू ज्यादा बनता तो फसल में कमी आ जाता, तो हमार सबके मेहनत बेफल होबे ना करता। जाने छे 4 से 4.5 महीना वाला जो आलू के वेराइटी हो छे ना, ओकरा में बुआई से 45 से 55 दिन तक कंद लगना शुरू हो जाए छे। कंद लगे की प्रक्रिया 3 से 4 सप्ताह तक चलते रहे छे। दू बार सिंचाई कर कर निश्चिंत न हो जाए, आलू के खेत में हल्का लेकिन कई बार सिंचाई के बहुत जरूरी है। तू कहो जल्दी पानी पटावे के लिए, कते जल्दी पानी पटावे के है? जल्दी जल्दी के मतलब है कि 10 से 12 दिन के अंदर में खेत में पानी पटाना बहुत जरूरी है। अगर बालुई मिट्टी होता है तो 8 से 9 दिन के अंदर में पानी पटाना बहुत जरूरी है, लेकिन यह ध्यान देवे के है कि नाली भर के सिंचाई न करे के है। आलू बने से लेकर बड़ा होए तक खेत में नमी बरकरार होके चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिले से आलू छोटा हो जाए छे और वजन में भी कमी हो जाए छे। ए खुशबू सिंचाई हो गेले, हमहू आ गेलिए बैंक से, तनी हमरो बता दे। आलू में 40 से 50 दिन के बाद कंद लगना शुरू हो जाए छे, उस समय आलू के नमी के सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चलते आलू के खेत में 10 से 12 दिन के अंतराल में हल्का सिंचाई करते रहे के, ऐसे आलू के फल बड़ा होता है और उपज भी अच्छा होता है। कंद बने के शुरू होते ही ना, तो नाली में आधा से ज्यादा पानी न देव। अच्छा ये बताओ झुलसा के लक्षण अगर दिखाई देते तो उस समय हम पानी पटाब? यहाँ ठीक कर लीजिए, हमरा से पूछ ले ली, उस समय यहाँ के सावधानी बरते के पड़त। अगर यहाँ के खेत में झुलसा के लक्षण दिखाई दे अहाँ सिंचाई रोक देवे, और झुलसा के रोकथाम के लिए नियमित दवाई के भी छिड़काव करब। उम्मीद है कि आपको अब आलू की खेती में समय समय पर सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी मिल गई होगी, और इस ज्ञान का उपयोग कर खेती में भरपूर उपज का लाभ उठाएंगे।